आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी अब कुछ समय बाकी है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी मैदान में दिग्गजों का प्रचार प्रसार भी जारी है। इसी कड़ी में प्राइम टीवी की टीम चुनावी मैदान में उतरी है और हमारे संवाददाता ने हरिद्वार के ज्वालापुर में जनता का मूड जाना है। हमारे बीच में विधानसभा ज्वालापुर से कुछ ग्रामीण है, आइए उनसे बात करते हैं कि वे इस बार किसको अपना प्रतिनिधि चुनना चाहे। हम जब से पैदा हुए हैं हम सदा बीजेपी को वोट देते आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बीच एक ऐसा नकारा प्रत्याशी तैर दिया जिसे पिछली बार तो हम खून का आंसू पी कर झेल गए थे, लेकिन अब की बार हम उसे बिल्कुल झेल नहीं पा रहे, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर भाई वीर बहादुर सिंह के साथ आए हैं और भाई रवि बहादुर को अब की बार हमारे गाँव से बहुत भारी मत मिलने वाला है। और यहाँ तक नहीं, मैंने बहुत जगह पता करा अपनी रिश्तेदारियों में, हर जगह रवि बहादुर भाई जी कई हजार वोटों से जीत रहे हैं। जो कट्टर बीजेपी का गांव था वो अब की बार भारी मतों से भाई रवि बहादुर सिंह को जिताने का काम कर रहा है और तन मन धन से सब लोग भाई रवि बहादुर सिंह जी के साथ हैं। ये हमारे ग्रामीण लोग खड़े हैं सब, और युवा शक्ति जो हमारी युवा शक्ति थी वो तो बिल्कुल खुलकर भाई रवि बहादुर सिंह के समर्थन में आ चुकी है और हमें पक्का विश्वास है कि भाई रवि बहादुर जब की बार राठौर की जमानत जब्त करवाने का काम करेंगे, ये हमारा वादा है। अभी और भी ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं कि आप जो है ना किस तरह का विधायक चुनना चाहते हैं। जो व्यास जो फैसला ऊपर सरकार ने लिया वो अच्छा लिया, बरखा रानी भी ठीक थी, लेकिन रवि बहादुर भी बढ़िया नेता है, ऐसी बात नहीं है, सभी मिलजुल कर उसका साथ दो, उसे वोट भी दो। सुरेश राठौर का तो जी ऐसा है, वो कुछ चुनिंदा आदमियों से गांव से मिलता है, गांव मिलता है, एक दो आदमी से मिला और भाग गया और गरीब जनता से कभी नहीं मिलता और अपना बस ऐड दिखाता है, आंकड़े दिखाता है लोगों को, उसके लिए उससे इसलिए उस लोग उससे कट रहे हैं, इसलिए सैनी समाज भी उससे कट रहा है, सारा सैनी समाज कट रहा है उसका अभी बार, क्योंकि हमारे गांव में एक दो आदमी है जो उनके जिनके पास बैठता है बंजारे समाज के आते हैं, उनके चार वोट है पूरे गाँव में जो बंजारे वोट देते हैं, वोट देते हैं सैनी नाम होता है बंजारों का, इसलिए हम राठौर को छोड़कर रवि बहादुर के साथ समर्थन कर रहे हैं पूरे तन मन धन से। का कहना है कि हम वीर रवि बहादुर को ही अपना विधानसभा से चुनकर भेजेंगे। रामपाल सैनी, प्राइम टीवी रिपोर्ट, हरिद्वार। विधान भारतीय जनता पार्टी के लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने लालकुआ नगर में मुख्य चौराहे के निकट चुनावी कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मोहन बिष्ट ने चार शक्ति केंद्रों के संयोजकों और 19 बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक करते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए प्रचार सामग्री के माध्यम से जन जन तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने की बात कही। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी घोषित किया, संगठन में ही शक्ति है। आज हम लोगों ने लालकुआ नगर मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक यहां पर आयोजित की है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को अब चुनाव प्रचार की डोर टू डोर संपर्क की कार्य योजना बनानी है, उसके अनुसार कार्य करना है, इसलिए बैठक बुलाई गई और जितने कार्यकर्ताओं को इसमें बुलाया गया था उससे कहीं ज़्यादा लोग इस बैठक में आए हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करने को उत्सुक है, पार्टी के जन कल्याणी कार्यकारियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। कल से हम लोगों का डोर टू डोर प्रचार शुरू हो जाएगा, टोलियाँ निकलेंगी, उसी की रणनीति के लिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे थे। साथ ही लालकुआ नगर के कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शूरवीर सिंह सजवाण ने ऋषिकेश में आखिरकार अपना नामांकन वापस ले ही लिया। इस दौरान शूरवीर सिंह रजवाड़ ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जयेंद्र रमोला को अपना समर्थन दिया। मौके पर सजवाड़ को मनाने में कामयाब हुए जयेंद्र रमोला को बधाई देने वालों का सिलसिला भी लग गया। रजवाड़ का आशीर्वाद मिलने के बाद जयेंद्र रमोला खुश और गदगद नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जयेंद्र रमोला ने कहा कि शूरवीर सिंह सजवान वरिष्ठ नेता हैं और सालों से उनका आशीर्वाद मिलता रहा है, वर्तमान में भी उनका आशीर्वाद मिल गया है, इसलिए 10 मार्च को परिणाम वाले दिन विधायक जयेंद्र रमोला नहीं बल्कि शूरवीर सिंह सजवाड़
बनेंगे। पहली माला शूरवीर सिंह सजवाड़ के गले में ही पहनाई जाएगी। जो हमारे वरिष्ठ जन है जिनके आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिला है आगे जाने का, और ये कांग्रेस के अंदर ही देखने को मिल सकता है कि उन्होंने अपने एक युवा और आने वाले भविष्य को आगे आने का मौका दिया। और मैं अब आदरणीय सजवान जी की उंगली पकड़कर इस विधानसभा की गली गली में जाकर जो 15 साल का रुका हुआ विकास था उसकी पोल खोलने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन वहाँ जाके बताया जाएगा कि आप देखिए प्रोटोकॉल बनाम 24/7 सेवा में समर्पित एक नारे के साथ परिवर्तन परिवर्तन और परिवर्तन। उसका भी महत्व वही होता है जो एक फूल की पंखड़ी का होता है जब हम पंखड़ी देते हैं। हमको पार्टी कुछ ना करे और पार्टी का एक वरिष्ठ नेता आ गए, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता आए जो चार राज्यों के प्रभारी रहे, महामंत्री रहे हमारे, वो सोनिया जी के राहुल जी के बहुत निकटस्थ व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया, मेरे एक बड़े भाई के तौर पर, मेरे एडवोकेट के तौर पर भी वो थे। आम आदमी पार्टी के बाजपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सुनीता टमटा बाजवा ने सुल्तानपुर पट्टी नगर में मुख्य चौराहे के निकट चुनावी कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान आप प्रत्याशी सुनीता टमटा बाजवा ने कहा कि बाजपुर की जनता मेरे साथ न्याय करेगी। बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आम आदमी पार्टी निरंतर बढ़ती हुई पार्टी है और लगातार राज्यों में हम चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही साथ लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। वैसे उत्तराखंड में भी हो रहा है, आप देख रहे हैं लोगों में उत्साह और उमंग का सरोबार है लोग, और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी लगातार यहाँ पर आगे बढ़ रही है और विजयश्री हासिल करेगी। आज सुल्तानपुर पट्टी में जो है कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और जनसहयोग तो मत पूछिए, मेरे जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं और मेरे जो हुआ मेरे सारे भाई हैं उनका जो जोश है वो देखने से नहीं बनता है, और उनके जोश और उनकी मेहनत को देखते हुए लगता है मुझे कि इस बार जो है आम आदमी पार्टी का जो है परचम लहराएगा, ये मेरे युवा भाई की मेहनत का नतीजा। भाजपा और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ प्रताप नगर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नेगी भाजपा प्रत्याशी विजय सिंह पवार के बीच ही जंग होगी। एक बार फिर डोबरा चांठी पुल का मुद्दा उजागर हो गया है। भाजपा के प्रत्याशी विजय सिंह पवार का कहना है कि डोबरा चांठी पुल बनने से प्रताप नगर क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन के लिए सुविधा हो चुकी है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विजय सिंह पवार ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि डोबरा चांठी पुल की स्वीकृति कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी। जब डोबरा का पुल कांग्रेस की सरकार ने 2006 में नारायण दत्त तिवारी जी ने, फूल सिंह बिस्ट जी हमारे विधायक थे और हरीश रावत जी प्रदेश अध्यक्ष थे, स्वीकृत किया, पूरा पैसा दिया, 2007 से 12 के बीच में जो निर्माण हुआ बीजेपी के शासनकाल में उसका डिजाइन फेल हो गया और उसका डिजाइन कांग्रेस ने, हरीश रावत जी ने और हम लोगों ने कोरिया से मंगाकर डोबरा के पुल का निर्माण पूरा करवाया, पूरा पैसा दिया, नया टेंडर दिया। इन्होंने केवल रनिंग स्कीम की एक किस्त दी जिसका ये इतना ढिंढोरा और डंका पीट रहे हैं। पूरी जनता जानती है कि डोबरा का पुल बहुआयामी विषय है। प्रताप नगर के विधायक के बूते का ये समझ और सोच से बाहर की चीज़ें हैं। ये पूरा काम कांग्रेस ने किया, आज जनता के लिए वो पुल सुलभ हो गया। उन्होंने कभी नहीं, जब मैं 2007 में मैं विधायक बना, कुछ नहीं, हमारे स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने इसकी घोषणा की थी और तत्कालीन जो विधायक थे अपने फूल सिंह जी मेरे बड़े भाई थे और उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन पैसा नहीं मिला, वो काम नहीं हुआ। जैसे हम 2007 में विधायक बने हमने पैसा भी रिलीज किया और 7-8 में मेरा अचानक एक्सीडेंट होने के कारण मैं उसमें ध्यान नहीं दे पाया, तो जब स्थिति ख़राब होगी 12 में मैं हार गया, 242 वोट से हारा और 17 में मात्र शक्ति के आशीर्वाद से जब मैं विधायक बना तो एक मुश्त जमा पैसा मैंने दिया। उत्तराखंड में भी आगामी 14 फरवरी को मतदान होना है। उत्तराखंड के विकासनगर विधानसभा में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी
उथल पुथल देखने को मिल रही है। आज ग्राम पंचायत जीवनगढ़ में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुहेल पाशा ने अपने कई समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात की अध्यक्षता में एक विशाल जनसभा की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नीतियों पर सवाल उठाए गए और बीजेपी पार्टी पर जमकर हमला बोला गया। बता दें कि सुहेल पाशा के साथ कई लोगों ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन मेरे साथ कम से कम आप ये मान के चलो 300-400 लोगों ने आज मेरे साथ कांग्रेस भाजपा के पद वाले जो अल्पसंख्यक मोर्चे से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, वो कम से कम 13-14 लोग हैं जो आए हैं कांग्रेस के अंदर। और बाकी तो ये मानिए कि मेरा अपना पूरा परिवार है जीवनगढ़ के अंदर, के वो पूरा का पूरा भाजपा छोड़ के कांग्रेस के अंदर आया। यहाँ एक जो है काम करने वाले की जरूरत है, और इस विधायक ने तो कुछ भी नहीं करा बीजेपी ने, ये तो घर बैठा रहा, क्योंकि इसको तो जो है ना कुछ करना ही नहीं पड़ा जीतने के लिए। ये थोड़ी आपसी फूट थी हमारी, उसके लिए वो जो है उसमें सीट निकल रही थी उनके आराम से जो है, तो उसे क्यों करना था जो है, उसके अंदर जो है कूट कूट के जातिवाद भरा हुआ है, इतना निकम्मा है। वो लोगों को कहता है कि आप क्यों है मेरे पास, आपका वोट ही नहीं मुझे मिला जो है। भाजपा ने प्रदेश में डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और गजराज बिष्ट को मनाने उनके घर पहुंचे, जहां काला ढूंगी विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज गजराज बिष्ट ने कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के खिलाफ निर्दलीय नामांकन किया था। वही त्रिवेंद्र सिंह रावत के मनाने के बाद अब गजराज बिष्ट की नाराजगी दूर हो गई है। इसके बाद गजराज बिष्ट ने मीडिया से बात की और इस दौरान गजराज बिष्ट भावुक नजर आए, वहीं बात करते हुए उनकी आंखों से आंसू भी निकल पड़े। इस दौरान गजराज बिष्ट ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप जनहित में काला ढूंगी की जनता आपको चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आखिर बंशीधर भगत जी को अगर पार्टी ने टिकट दिया है तो आप एक बार हमारे अनुरोध पर और अपना नामांकन वापस ले लीजिए। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया, मेरा सम्मान किया और पार्टी के हित में उन्होंने निर्णय लिया है कि वो अपना नाम वापस लेंगे। श्रीनगर विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, वहीं प्रत्याशी एक दूसरे को आड़े हाथों ले रहे हैं। जहां बीजेपी से प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार चरम पर था। इसके अलावा कांग्रेस ने बीते 5 सालों में न तो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई है और न ही कहीं दिखाई दिए। वहीं अब बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि पहले भाजपा में प्रमुख बनाए जाते थे। आज सभी हमारे देवतुल्य जितने भी हमारे मतदाता हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन, सब लोगों के आशीर्वाद से और सब लोगों की आज्ञा के अनुसार हम लोग यहाँ पर देवतुल्य विधानसभा के अंदर एक मुख्य कार्यालय का आरंभ कर रहे हैं। और उसके बावजूद जो हम सब लोग बैठ के, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता धरातल पर रह के काम करता है, निस्वार्थ कार्यकर्ता है, तो हम जितनी भी हमारी योजनाएँ, चाहे वो भारत सरकार की योजनाएँ भी, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएँ हैं, वो प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक घर घर तक पहुंचाने का काम करता है और सब लोगों को इस बारे में मालूम भी है। और हमारा जो मैनिफेस्टो बना है उसको पूरे को लेके हम लोग जो है क्षेत्र के अंदर पहले से भी घूम रहे हैं और अब आगे भी सब लोगों से एक निवेदन करने के लिए जाएंगे। लालकुआ में पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत ने भाजपा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने से भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है, इसलिए उन्होंने कुआं कहकर लालकुआ का अपमान किया है, क्योंकि लालकुआ तो लोगों को जिंदगी देने वाला अमृत कुंड है। हरीश रावत ने कहा कि लालकुआ की जनता विकास के साथ है और आने वाले 5 सालों में लालकुआ की सूरत बदल जाएगी। यदि भाजपा मेरे लड़ने से बौखलाए नहीं तो फिर मजा ही क्या है। और उस बौखलाहट में जिस तरीके से उन्होंने लालकुआ का अपमान किया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और लालकुआ जिंदगी देने वाला अमृत कुंड है और मैं लालकुआ को प्रणाम करता हूं। बिल्कुल किए जाएंगे, और इनमें से आधे से ज़्यादा काम ऐसे हैं
जिनको हमने स्वीकृत किया है, काम शुरू करवाया है। ऋषिकेश में भारतीय जनता पार्टी ने आवास विकास स्थित एक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे। कार्यक्रम से पहले मदन कौशिक का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर जोश भरा है और कहा कि कार्यकर्ताओं को अपने जोश में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देनी है। उन्होंने दावा किया कि ऋषिकेश विधानसभा सीट भाजपा चौथी बार जीतने जा रही है। इस जीत में भारी मतों का अंतर। अभी तो ये एक सिर्फ हमने एक शुरुआत की है, आने वाले 14 तारीख तो बहुत से लोग बीच बीच में ज्वाइन किए भी हैं और कर भी रहे हैं, करेंगे भी, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो हमारा पूरा विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो राष्ट्रभक्त लोगों की पार्टी है, जो देवतुल्य लोगों की पार्टी है, जो काम करने और विकास करने वाली पार्टी है, उससे लोग जुड़ना चाहते हैं। और आज जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन लोगों ने पार्टी में ज्वाइन किया है, मैं उनका अभिनंदन कर रहा हूं और प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का स्वीकार किया। और उन्होंने अपने भाषण में भी कहा है कि प्रदेश की सबसे बड़े मतांतर से जीतने वाली सीट भारतीय जनता पार्टी की ऋषिकेश होने वाली है, ये मेरा सौभाग्य है। उन्होंने ऋषिकेश विधानसभा में सदस्यता ली है, बहुत अच्छा वातावरण है और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में जो 2017 का रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे, 2017 से ज़्यादा विजय प्राप्त करेंगे, ऋषिकेश में भी हम 17 से बड़ी विजय प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ का वातावरण देखकर मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यकर्ताओं की मेहनत है और इस अवसर पर मैंने आए हुए सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन किया। अच्छा वातावरण है, सब जगह मुझे जाने का सौभाग्य है, बहुत अच्छा वातावरण है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जनता का विश्वास है मोदी जी के। लक्सर में भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता ने भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग और आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई, जबकि कार्यक्रम में मौजूद प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने मास्क तक नहीं पहना था। अब ऐसे में देखना यह होगा कि कोरोना और आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने वाले विधायक और उनके समर्थकों पर प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या नहीं। खबर पौड़ी से है, जहां पर प्रदेश की चर्चित विधानसभाओं में से एक श्रीनगर विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी से प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त था। इसके अलावा कांग्रेस ने बीते 5 सालों में ना तो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई है और ना ही कहीं दिखाई दिए हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने डॉक्टर धन सिंह रावत पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए वो बयानबाजी कर रही है। मुझे लगता है कि उनको हार का डर सता रहा है और मैंने तो ये सुना कि भाजपा में पहले पन्ना प्रमुख बना करते थे और इस बार के चुनाव में वो पवा प्रमुख बना रहे हैं, मैंने तो ये सुना। तो धन सिंह रावत जी, शायद उनको सपने में भी रात को अपनी तस्वीर और अपने कर्म नज़र आते हैं कि जो आरोप वो लगा रहे हैं। मैंने तो ये सुना कि 2 महीने पहले से उन्होंने सब तैयारियाँ कर रखी हैं, तो आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, उनको इस बात के लिए प्रमाण देने होंगे और धन सिंह रावत जी की हार सुनिश्चित है। पूरे देश को लूटने का काम कांग्रेस ने किया है, देश में भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किए हैं और जुमलों के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और मैं कह सकता हूं कि अब कांग्रेस जो है दारू पिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।